मैं उर्मिला, कहानी नंबर 2 में आपकी स्वागत है। एक जंगल में एक कौवा रहता है और वो बहुत प्यासे रहते हैं। उसको बहुत प्यास लगते रहते हैं कि आसपास कोई झील वगैरह कोई नदी वगैरह नहीं रहते, बहुत ज़्यादा प्यास रहते हैं उसको, प्यास लगती है। तो फिर पानी के लिए वो बहुत तरस रहते, कहीं भी पानी नहीं मिल रहे थे उसको। फिर वो एक जगह में भटकते भटकते फिर उसको एक जगह में एक मटका सा लंबा सा मटका रहते हैं ना, सुराही जिसे कहते हैं, वो मिल जाती है। फिर उसमें थोड़ा सा बहुत नीचे पानी रहता है। फिर वो क्या करती है, कौवा इधर उधर देखते हैं, मटका को गिराने से फिर पानी ज़मीन पे चले जाते हैं, गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं। फिर पानी को पीना है कैसे करके वो सोच के, और छोटे छोटे पत्थर सारा इकट्ठा करके फिर उसमें डाल देती है, मटके में डाल के फिर पानी ऊपर जाते हैं, फिर पानी पी लेती है। और कौवा अपना बुद्धि से अपना ज़रूरतें पूरी कर लेती है। थैंक यू।